नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम वहां पहुंची है विधान भवन, वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधान भवन। और आज चूंकि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है, चूंकि आज राहुल गांधी के सदस्यता वापस हुई है, राहुल गांधी जो है आज संसद में कदम रखा है। और ये देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट के सामने से, आप द लोकल जर्नलिस्ट की आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी को पार्लियामेंट में देखने के बाद आज ये लोग वेलकम कर रहे हैं। राहुल गांधी कम बैक टू पार्लियामेंट। और ये देखेंगे, मैं कहूंगा यहाँ पर दिखाएं पूरी तस्वीर, देख रहे हैं आप राहुल गांधी को किस तरह से वेलकम किया जा रहा है संसद में। और ये देखें किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज अपना कदम लोकसभा में रखा है और लोकसभा में संसद का सदस्य मनाया गया है। और ये देखिए समीम अख्तर लड्डू, समीम अख्तर माइनॉरिटी के चेयरमैन समीम अख्तर है। ये देखिए लोगों के दरमियान लड्डू तकसीम करते हुए राहुल गांधी का संसद में वापस होना। समीम अख्तर, ये देखिए समीम अख्तर चेयरमैन माइनॉरिटी लड्डू खिलाते हुए जश्न मनाते हुए, अपना नेता कैसा हो, गांधी जैसा हो, अपना नेता कैसा हो। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर राहुल गांधी कम बैक इन पार्लियामेंट लोकसभा, सब लोग विधान भवन कांग्रेस हेडक्वार्टर में कलकत्ता में जश्न मनाते हुए। ये देखें आप, ये देखें यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाते हुए लड्डू के लिए क्या कहना चाहेंगे। पूरे देश में एक ही लहर है, वो है राहुल गांधी। पूरा देश खुश है, इसीलिए हम लोग इस खुशी के मौके पे लड्डू लोगों को। ये देखिए किस तरह से समीम चेयरमैन समीम अख्तर लोगों को लड्डू खिलाते हुए, समीम अख्तर चेयरमैन माइनॉरिटी सरकार बंगाल, ये देखिए लोगों के दरमियान तकसीम करते हुए। ये देखिए समीम अख्तर कांग्रेस हेडक्वार्टर विधान भवन कोलकाता में आप देख रहे हैं राहुल गांधी कम बैक इन पार्लियामेंट जश्न मनाते हुए। ये देखे लोगों के दरमियान, ये देखे जश्न मनाते हुए देखे किस तरह से लड्डू खाते हुए जश्न मना रहे हैं। और ये यहाँ इनकी वेलकम राहुल गांधी कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। और ये देखें पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं यहाँ पर, हर किसी के हाथ में कैटकट लिए हुए हैं। राहुल गांधी वेलकम। और इधर देखेंगे ये समीम अख्तर माइनॉरिटी चेयरमैन क्या कहना चाहेगा। समीम अख्तर क्या कहना चाहोगे ऐसे मौके पर राहुल गांधी कम बैक इन लोकसभा। राहुल गांधी जो फिर से लोकसभा जा रहे हैं, मोदी सरनेम में जो उनको गलत ढंग से फंसाया गया था सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद, आज वो लोकसभा पहुंचे हैं, इसकी खुशी में पूरे देश भर के लोग खुशी मना रहे हैं, उसकी खुशी में हम लोग आज लोगों में मिठाई तकसीम कर रहे हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग 2024 में मोदी को हराएंगे पार्लियामेंट में। राहुल गांधी सवाल की आंधी क्या कहना चाहेगा समीम अख्तर। फिर वही कहेगा कि अडानी का पैसा किसका पैसा है, अडानी के पास किसका पैसा है, रफेल कहाँ है, कहाँ घोटाला है। राहुल गांधी अपनी आवाज से पीछे नहीं हटेंगे, अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, देश के लोगों का सपोर्ट उनके साथ है। क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी के आने से क्या मोदी को खौफ ज्यादा है? मोदी पूरी खौफ ज्यादा है, आरएसएस खौफ ज्यादा है, बीजेपी खौफ ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे इम्तियाज साहब ऐसे मौके पर? जिस शेर को भारतीय जनता पार्टी मोदी की और अमित शाह के डबल इंजन की कयादत में शेर को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, आज वो शेर राहुल गांधी के रूप में पार्लियामेंट में फिर से हाजिर है और हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ
आवाज राहुल गांधी की कयादत में पूरी इंडिया की टीम यानी पूरी इंडिया मोहाज के लोग आज राहुल गांधी की कयादत में पार्लियामेंट में आ चुके हैं। क्या कह रहे राहुल गांधी लोकसभा में, क्या आंधी? 137 दिन बाद हमारे नेता राहुल जी पार्लियामेंट लोकसभा में आ गए हैं, इसलिए बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्ट के चेयरमैन तमीम अहमद साहब के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग रोड पे आकर के मिठाई तकसीम कर रहे हैं और पूरा इंडिया एक साथ आ गया है। 24 में प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी। क्या कहना चाहेंगे टीम? अभी आधी रुकेगी नहीं, अब ये जो सेंटेंस हुआ था ये सेंटेंस मैक्सिमम हुआ था और वो मैक्सिमम सेंटेंस होना नहीं चाहिए, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है और ये ना कोई हीनियस क्राइम है, लिहाजा अब यहाँ की रुकेगी नहीं और राहुल गांधी 2024 के प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं और ये बीजेपी और मोदी और उसके सरकार के साथ जितनी कंपनियां सब फेल होने वाली है और हम लोग कामयाब होने वाले हैं। क्या कहेंगी, क्या कहेंगी? देखिए ऐतिहासिक दिन, राहुल गांधी संसद में कदम रखे दोबारा। देखिए झूठ पे हमेशा सच की जो है जीत होती है, आज ये जो दिन हम लोग देख रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं, ये सच्चाई की जीत है और आवाम की जीत है। राहुल गांधी हमेशा जो है हिंदुस्तान के आवाम के लिए जो है मुद्दा उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। हर तरफ जश्न का माहौल। क्या कहेगी रुखसाना बेगम, क्या कहना चाहोगी? बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ गंदगी की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि राहुल गांधी हक की लड़ाई लड़े और पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी के साथ है। सुनील अख्तर, चेयरमैन मारोटी सेल, रियासत मगरबी बंगाल कांग्रेस, क्या कहना चाहेगा? अधीर रंजन चौधरी दिल्ली में, सुनील अख्तर बंगाल में, क्या कहना चाहेगा? अधीर चौधरी को आपने अधीर दा को देखा, वी फॉर विक्ट्री। इसी तरह से पूरे लोग कांग्रेस के वर्कर वी फॉर विक्ट्री मना रहे हैं पूरे देश भर में और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग 2024 में मोदी को हराएंगे फिर से कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो 26 अपोजिशन पार्टियों की एक टीम बनी है कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया है बीजेपी के ऊपर? ये प्रेशर तो है ही है, डर गई है बीजेपी। इन लोगों ने जितना लोगों से वादा किया था और जिस तरह से ईडी सीबीआई के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, डरी हुई बीजेपी है, डरी हुए नरेंद्र मोदी है। 24 के लिए सभी वक्त तक चेयरमैन क्या कहना चाहेगा मारुति दल का आवाम को? नई सरकार बनेगी 2024 में, इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया दलों की सरकार बनेगी, कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट पर और अभी देखेंगे इस तरफ से किस तरह से देखें, क्या कहना चाहेंगे आज राहुल गांधी का कदम संसद में? अब ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, पूरे देश का हर आवाम आज खुशी मना रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, आज राजीव गांधी को हम वेलकम करते हैं और मुझे उम्मीद है, बल्कि यही हकीकत है, फिर से वो आवाज उठाएंगे और इस बार मणिपुर में जो दो बेटियों के साथ गंदगी की गई उसके बारे में राजीव गांधी पहला सवाल करना चाहेंगे। राहुल गांधी दिखा दिया है, राहुल गांधी झुका नहीं, कांग्रेस झुकता नहीं, कांग्रेस को बुलाता है, कांग्रेस झुकता नहीं कभी। राहुल गांधी नेतृत्व में भारत अभी आगे बढ़ेगा, फिर आज हम लोग का अंदर में जोश आया है, जोश रहेगा ये कांग्रेस का अंदर में। राहुल गांधी की बोल रहे हैं, राहुल नाजरीन आप देख रहे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट और यहाँ पर जो है कांग्रेस के विधान भवन कलकत्ता हेडक्वार्टर्स पे लोगों का राहुल गांधी की हिमायत में जुलूस निकला है, चूंकि वेलकम राहुल गांधी इन लोकसभा पार्लियामेंट, आज राहुल गांधी की सदस्य बहाल हुई है और राहुल गांधी आज से फिर संसद में नजर आ रहे हैं। की बोलते चाहिए? राहुल गांधी सत्य जय हलो, राहुल गांधी थकते थकबे एवं आगामी दिन हमारा बीजेपी का हटाबो राहुल गांधी नेतृत्व, राहुल गांधी जिंदाबाद। नाजरीन हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर बातें करेंगे किस तरह से यहाँ पर है और यहाँ पर किस तरह से राहुल गांधी संघर्ष। बस यही कहना चाहूंगी, ये माहौल जो देख रहे हैं राहुल गांधी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। क्या बोलेंगे आज राहुल गांधी? वेलकम टू पार्लियामेंट, वेलकम टू पार्लियामेंट। मैं राहुल गांधी जी के लिए, अपने नेता के लिए, नेता की बात अपनी जबान से कह रहा हूँ। जो लोग हैं जो डर रहे थे, जो समझ रहे थे कि राहुल गांधी डर जाएंगे, उनके लिए, राहुल गांधी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हवाओं से बिखर जाए, हवाओं से बिखर जाए, वो शाख के पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो के औकात में रहे। अगली सवाल क्या करना चाहिए और सुन लीजिए, और जब तक राहुल गांधी के हाथ में तिरंगा, जब तक राहुल गांधी के हाथ में रहे, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं राहुल गांधी के साथ में रहे। तो नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड रिपोर्ट, पल पल की खबर के लिए आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं सुनते कलकत्ता से बहुत बहुत शुक्रिया।